रिसेंटली रेनॉल्ट कंपनी ने अपना 1 मिलियन प्रोडक्शन माइलस्टोन टारगेट अचीव किया है। जनरली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, वो भी कार इंडस्ट्री में, 1 मिलियन का माइलस्टोन अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है। अब 1 मिलियन माइलस्टोन का टारगेट अचीव करने के बाद कंपनी ने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और R&D सेंटर पर कंपनी ने काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है और अब इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ाई है। अब रेनॉल्ट कंपनी हर साल लगभग 4,80,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेगी। इसके साथ ही अब कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। EVs मैन्युफैक्चर करने के लिए भी कंपनी ने EV इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। यहीं पर रेनॉल्ट इंडिया के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर वेंकट राम जी ने अनाउंस किया है कि ये 2025 में अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार इंडिया में लॉन्च कर देंगे। वैसे आपको बता दें कि रेनॉल्ट एक ऐसी कंपनी है जो कि इंडियन कंपनी तो नहीं है, लेकिन ये इंडिया में अपनी कार मैन्युफैक्चर करती है। प्लस ये कार इंडिया में डोमेस्टिकली सेल करने के अलावा इन्हें बाहर में एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रिक कार भी जब भी प्रोडक्शन में आएगी तो इलेक्ट्रिक कार को भी ये बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। खैर, कंपनी ने अभी सिर्फ अपनी इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में अनाउंसमेंट की है। इसकी प्राइसिंग क्या होगी, स्पेक्स क्या होगी, रेंज क्या होगी, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक कार्स में है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं अब आपसे अपनी अगली वीडियो में।